बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के बल पर पुनः सत्ता पर जनता ने बैठाया। फिर से भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में कोई काम हो बिना चढ़ावा के संभव नहीं। विभागीय अकर्मण्यता और मानक अनुरूप पुल की निर्माण पर जनता ने आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें आवागमन की सुगमता से किया जाता है। एक बड़ी विडंबना है कि पुल निर्माण के बहस 4 वर्ष के अंदर पुल क्षतिग्रस्त के कगार पर है, जिस पर कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। उक्त बात मांझी के पूर्व उप प्रमुख ताजपुर गांव निवासी रामकिशन सिंह ने आक्रोशित जनता के बीच में कही। उन्होंने कहा कि ताजपुर स्थित दाहर नदी पर 4 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में पुराने जर्जर पुल को देख जनता की मांग पर नए पुल का निर्माण कराया जाए। इस पुल से दो प्रदेश की यातायात व आवागमन की सुगमता प्राप्त होती है। विभागीय लापरवाही कहें या कार्य में कोताही, बड़ी लागत से बनी ये पुल महज 5 वर्ष के अंदर क्षतिग्रस्त के कगार पर आ गई। पुल तो बने लेकिन इसकी मरम्मत या अच्छी देखभाल के लिए आज तक न ही ठेकेदार पहुँचे न ही विभाग के कोई पदाधिकारी। मटियार पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया पति सुनील कुमार सुमन ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उप पुल की वर्तमान स्थिति को जांच कर पुनः निर्माण कराया जाए, ताकि दो प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली पुल से निसंकोच आवागमन बहाल हो सके। वहीं लोगों ने कहा, सरकार पुल निर्माण में लापरवाही की जांच व दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा हमें बाध्य होकर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं इस भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से की, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। आप तो प्रमुख उप प्रमुख हुए, बताइए समस्या क्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या है, मैं मांझी प्रखंड का 10 साल प्रतिनिधित्व हमने किया है, उप प्रमुख का दायित्व का निर्माण हमने किया, मेरा नाम हुआ रामकृष्ण सिंह। आज पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त है और जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री बीमार बिहार को आज विकसित बिहार के श्रेणी में ला के खड़ा किया है और विकास की श्रेणी में, विकास के क्रम में बिहार के क्या कोई भी सड़क ऐसा नहीं है जिसका पुनरुद्धार नहीं हुआ, और बीच में आने वाली जितनी पुल पुलिया है सबका निर्माण हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ के अफसर की अयोग्यता के कारण, मिलीभगत के कारण, गलत मटेरियल के चलते जो भी पुल बना है, जैसे हमारे यहाँ जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, यह पुल दो जिलों को जोड़ता है, यानी दो जिलों ही नहीं दो प्रदेशों को जोड़ने वाला यह एसएच का सड़क है, ताजपुर दाहा नदी पर बना हुआ यह पुल। नतीजा के बनने के 3 साल के बाद इस पुल के 3 जो बीम है, पाया का 3 बीम है, उसमें क्रेक आ गया। यह दुर्भाग्य का विषय, जांच का विषय होना चाहिए, और जो भी इंजीनियर जिसके नेतृत्व में यह पुल बना उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस पुल का पुनर्निर्माण कराया जाना ही जनहित में अति उत्तम है। चूंकि यह पुल सारण और सिवान को ही नहीं जोड़ता, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। मांझी विधानसभा और रघुनाथपुर विधानसभा को जोड़ता है यह पुल। छपरा, मांझी, सिसवन, रघुनाथपुर, दरौली और मैरवा होते हुए गोरखपुर को जोड़ता है। बहुत लंबा यह सड़क है, स्टेट हाईवे यह कहा जाता है, लेकिन बनने के 4 साल के अंदर यह पुल टूट जाना हमारे यहाँ के विभाग के इंजीनियरों की अकर्मण्यता है, अक्षमता है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पुल के असमय क्षतिग्रस्त होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस विभाग के इंजीनियर और ओवरसियर, चाहे उच्च पदाधिकारी हो, संबंधित इस पुल के ठेकेदार हो, कहीं न कहीं गलत किया है, जिसके चलते कम समय में अभी यह पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल को अविलंब जांच कराया जाए, और जांच के क्रम में दोषी पाए जाने वाले तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इस पुल को अविलंब निर्माण कराया जाए, ताकि यह पुल आवागमन के लायक बन सके। मांझी प्रखंड का मटियार पंचायत, महमदपुर पंचायत, बरसात के दिनों बोलिए। मैं बाबूदीन अंसारी,
पूर्व सरपंच पंचायत शेफुल पंचायत, ये पुल का जो ब्रेकर है जिससे मैंने महिलाओं को आने जाने में बहुत बड़ी परेशानियां हो रही है, बहुत बड़ी कठिनाइयां हो रही है, इसका सब लोग झेलते हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पीछे देखिए लगी हुई है, जो लोगों से बहुत ज्यादा किराया वसूल करते हैं। जिला समारोह से अनुरोध है कि स्कूल को अविलंब चालू करें ताकि सब लोगों को आने जाने में कठिनाइयां दूर हो। थैंक यू। बोले बुखे जी, समस्या बोले। मैंने हम अपना पर्चे दे ना। हाँ, तो जीजी नहीं है। मैं मटियार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुशील कुमार सुमन बोल रहा हूँ कि ताजपुर माझी जो पुल है जो 8 माह से बंद है, उसमें ब्रेकर लगाया गया है जिसके चलते बड़ी गाड़ियों का आवागमन अवरुद्ध है। इसमें जनता को बहुत परेशानियां हो रही है, यहाँ बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है आवागमन के अवरुद्ध होने के चलते, और ज़्यादा से ज़्यादा भाड़ा गरीबों का चाहे हर लोगों से लेकर आवागमन चलाया जा रहा है। मैं समर्था महोदय सारण से यह निवेदन करूँगा कि यथाशीघ्र इस पुल के जो ब्रेकर है उसको हटाया जाए, क्योंकि यह हमारे पंचायत के सटे हुए यह पंचायत ताजपुर है और यह ताजपुर दहा नदी पर यह पुल है जहाँ यह ब्रेकर लगाया गया है और यहाँ आवागमन की बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है। इसलिए मैं पुनः समर्था महोदय सारण से आग्रह करूँगा कि इस ब्रेकर को यथाशीघ्र हटाने का कष्ट। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, सारण बिहार से।